तो हेलो गाइस, यार कैसे सभी लोग? आई होप कि सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बंदों के बारे में, कुछ ऐसे लोगों के बारे में जिनको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। सो गाइस, बहुत सारे लोगों को ये बात पता होगी और जिनको ये बात नहीं पता वो लोग इस वीडियो को एंड तक वॉच करना, आप लोगों को भी पता चल जाएगी। सो गाइस, हमारे सुल्तान भाई को बैजेस के मामले में कोई सिंगापुर के बंदों ने टक्कर दे दी है। सो गाइस, मेरे को पता नहीं था कि ये बंदे कौन है, लेकिन मेरे को अब आज पता चला कि ये बंदे कौन है, तो मैंने ये वीडियो बनाया। वैसे मैं ये वीडियो बनाता नहीं, लेकिन मेरे को बताना था इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। सो गाइस, यार इस वीडियो में मैं अभी जो जिसके बारे में बात करूँगा ना, वो लोग सुल्तान के पप्पा, मतलब सुल्तान के पप्पा, लोकेश को तो छोड़ो, लोकेश तो 20 नंबर पर चला गया, वो लोग सुल्तान के पप्पा हैं। पप्पा सो गाइस, अब मैं आपको कुछ गलत बता रहा हूँ। सो गाइस, अभी देखो मैं अभी कहाँ गया था, सबसे पहले बैजेस पर गया। बैजेस पर मैंने चेक किया ग्लोबल नहीं, अपना सीजनल, मतलब रीजनल, रीजनल चेक किया। उसके बाद मैंने चेक किया ग्लोबल। सो गाइस, ग्लोबल पर कुछ और ही देखने को मिला, मतलब ये क्या, मैंने सोचा कोई ग्लिच है फ़ोन का। मैंने दोबारा गेम ऑफ किया, फिर चेक किया, लेकिन नहीं भाई, यही का ये इशू हो रहा था। मतलब ये क्या, इनकी आईडी अपन, एक तो ये एसजी रीजन के, मतलब सिंगापुर रीजन के, तो इनकी तो आईडी चेक कर नहीं सकते। लेकिन ये देखो 8वें नंबर पर अपना सुल्तान भाई, लोकेश नंबर भाई अपने 13वें नंबर पर, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पर देखो। फर्स्ट सेकंड का तो मान लिया भाई, मतलब पूरी की पूरी ब्रॉन्ज लेवल की आईडी फर्स्ट सेकंड का मान लिया, लेकिन थर्ड नंबर का, जिसकी एक बैचेस, वो भी यार ग्लोबल पर बैठा, मतलब क्या भाई, गेम है यार, गेम को गेम की तरह लो। ये क्या है, हैक वगैरह? मेरे को सबसे पहले तो लगा कहीं ये हैक तो नहीं है। मैंने इन लोगों की आईडी चेक की, अब देखो आप लोग, आईडी चेक की, उसकी आईडी लिखी गाइस, उसकी आईडी नहीं आई, मतलब सर्च करी लेकिन उसकी आईडी ही नहीं आई। देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इसकी आईडी आई। सो देखा गाइस, इसकी आईडी ही नहीं आई, मतलब आईडी शो ही नहीं हुई। अब एक तो सिंगापुर का है, अपन सिंगापुर रीजन के नहीं है, चलो ठीक है, लेकिन इंस्पेक्ट तो हो जाती आईडी ना, तो वहाँ पर इंस्पेक्ट का ऑप्शन आ रहा, मतलब मेरा तो दिमाग देख के रह गया। मैंने दूसरी आईडी चेक करी, कोई ना कोई तो आईडी शो होती, मैंने दूसरी आईडी भी चेक करी। देखो दूसरी आईडी का टाइप किया, लेकिन दूसरी आईडी भी शो नहीं हुई। देखो गाइस, दूसरी आईडी भी शो नहीं हुई भाई। मेरा दिमाग तो तब खराब हुआ जब मैंने इसके तीसरे नंबर के बंदे को देखा भाई, ऊपर वाले तो हैकर हैं, हैकर नहीं, ये ग्लिच है, हैकर है भाई, ये हैक ही है, ये बैजेस हैकर है, मतलब ये पहले भी आया था एक बार ऐसा। ये मतलब तीसरे नंबर को देखो भाई, इसकी मतलब एक है उसका अकेला बैजेस, लेकिन वो टॉप 3 पर बैठा है यार। मतलब लोकेश सुल्तान तो कुछ उसके सामने है ही नहीं, इनके तो भाई अंबानी बन रहे हैं, इनके पास कुछ ज़्यादा पैसे आ गए जो इतने सारे, मतलब ब्रॉन्ज लेवल की आईडी गाइस, ये इनकी पूरी मंडली है, ये जो जितने भी है ना टॉप 7 तक बैठे हैं, उसके बाद बैठे हैं, ये सब इनकी पूरी मंडली है। ये लोग पूरे के पूरे हैक कर रहे हैं सिंगापुर पर सर। यार मेरे ही 90 बैजेस हैं, मेरे को ही ले लो यार, उससे अच्छी हम लोग तो कभी जा ही नहीं पाते भाई, जिसकी एक बैजेस हैं यार, क्या कह रही ना। और ये देखो गाइस, देखो सुल्तान भाई अपने 8वें नंबर पर बैठे हैं, उसके ऊपर देखो 108 बैजेस, उसके ऊपर 47 बैजेस, मतलब क्या क्या है, क्या यार, मतलब क्या गेम का यार, इतने पैसे कमा रहे हैं भाई, सर्वर तो ठीक करा लो अच्छे से कम यार। भाई गरीना पूरा सस्ते नशे में चला गया, अब क्या ही बोलूँ गरीना के बारे में, मेरे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सो गाइस, ये बैजेस हैक का मामला एक बार और सामने आया था, मैंने गूगल पर सर्च किया, तब मेरे को मिला ये थंबनेल मिला किसी का, इसमें भी भाई बैजेस देखो इसके 12, यार क्या लिखा, मेरे साथ तो पढ़ते ही नहीं बन रहा, 12,39,400 बैजेस, क्या यार। एक और स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ, देखो गाइस देखो, मतलब एक और स्क्रीनशॉट जिसमें भाई कितने बैजेस हैं, गिन लो यार, आप ही गिन के बता दो, मेरे को तो गिनते नहीं बन, ब्रॉन्ज 1 की लेवल, क्या मतलब क्या है यार। मेरा मन कर रहा है जिस मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, यही मोबाइल गरीना की खोपड़ी पर मारूँ सीधा, मतलब क्या है यार, कुछ तो सही करा लो कम से कम भाई। पिंग इशू चल रहे हैं, कहीं माइनस में जा रही, कहीं किसी की आईडी हैक कर रहे हो, कहीं किसी की आईडी बैन कर रहे हो भी, मतलब कुछ तो ठीक कराओ यार। वैसे ये स्क्रीनशॉट देखो, मतलब नेट इतनी अच्छी क्वालिटी का, बट 999+ पिंग यार, मतलब क्या है यार, गेम ही नहीं खेल पा रहे। जब देखो जब कहीं पिंग आ जाती है हाई, कहीं कुछ हाई हो जाता है यार, हर बार गेम से लीव हो जाते हैं।
सो गाइस इन लोगों ने तो पूरे गेम में मतलब मचा के रख दिया, पूरा गेम मतलब हैक कर लो यार, हैक गेम का पूरा सर्वर हैक कर लो, सबकी आईडी ले लो यार तुम लोग, क्या मतलब क्या हैक हर जगह हैक। अभी हैकर बंद होते हैं, दूसरे दिन फिर हैकर चालू हो जाते हैं, फिर बंद होते हैं, फिर चालू हो जाते हैं, मतलब चल क्या रहा है। सो गाइस अब मैं इसकी रियलिटी बताता हूँ, ये रियलिटी है क्या, क्यों गैरिना इन लोगों को बैन नहीं कर रही, ये जो सिंगापुर वाले हैं इनको गैरिना क्यों बैन नहीं कर रही, इनकी रियलिटी बताता हूँ अब मैं। सो गाइस आप लोगों को पता है कि इन हैकरों को क्यों बैन नहीं कर रही है गैरिना? देखो अब एक वायरस है इसके चलो मान लिया, लेकिन गैरिना का प्रॉफिट है, मतलब गैरिना क्या चाहती है कि बताए ना, अगर ये लोग टॉप वन पर रहेंगे तो ये जो डायल एंड प्रॉस और अपने जो लोकेश भाई हैं ना, सुल्तान भाई, लोकेश भाई, ये लोग आगे आने की कोशिश करेंगे, और जब ये लोग आगे आएंगे इन लोगों के लिए बताए ना बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, वो लोग डायमंड बाय करेंगे, गैरिना को पैसा मिलेगा, बस इसी वजह से गैरिना इन लोगों को बैन नहीं कर रही। सो गाइस आज के लिए इतना ही, सो गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ और न्यूज़ मिलेगी तो मैं आपको फिर से एक और वीडियो में बताऊंगा। सो जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।